भोपाल मध्य प्रदेश जैसे विशाल राज्य की राजधानी के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भोपाल शहर को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे छोटे बड़े तालाब व झरने मौजूद हैं। यह शहर तब अचानक चर्चे में आया था 1984 में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइट गैस लीक हुआ था, जिसमें लगभग 20,000 मासूम लोगों की जान चली गई थी। इस दुखद घटना को इतिहास में भोपाल गैस शास्त्री के रूप में जाना जाता है। भोपाल भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मौजूद है। भोपाल शहर की स्थापना परमार राजा भोज ने 1055 ईस्वी में की थी। इस शहर का पुराना नाम भोजपाल था, जो भोजपाल और पाल के संधि से बना था। दोस्तों, अगर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के नंबर प्लेट पर ज्यादातर MP04 लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि आप भोपाल शहर में दाखिल हो चुके हैं। दोस्तों, भोपाल शहर का जो मुख्य नदी का नाम है नर्मदा नदी और पाक्ती नदी है। यह भोपाल शहर मध्य प्रदेश की राजधानी से 0 किलोमीटर तथा राष्ट्रीय राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 791 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। लगभग 2772 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए इस भोपाल शहर की जो कुल आबादी है 23,68,000 है। दोस्तों, अगर भोपाल शहर में यातायात की बात करें तो इस भोपाल शहर में रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग यानी कि ये तीनों मार्गों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो नंबर एक सड़क मार्ग, नेशनल हाईवे संख्या 12 जो कि भोपाल को बैतूल से जोड़ती है, नेशनल हाईवे संख्या 86 जो कि भोपाल को देवास से जोड़ती है, नेशनल हाईवे संख्या 34 जो कि भोपाल को सागर से जोड़ती है। इस जिला में इसके अलावा और से भी कई सारे छोटे बड़े सड़क है जिसके माध्यम से अन्य शहरों तक के लिए जाया जाता है। नंबर दो रेल मार्ग, दोस्तों इस शहर का जो मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम है भोपाल रेलवे जंक्शन है। दोस्तों, इस रेलवे जंक्शन में 6 प्लेटफॉर्म तथा 9 ट्रैक मौजूद है और इस रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन कोड है BPL है। नंबर तीन वायु मार्ग, भोपाल का राजा भोज हवाई अड्डा यहाँ का मुख्य हवाई अड्डा है, जो इस शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके माध्यम से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इत्यादि शहरों के लिए भी जाया जाता है। दोस्तों, अगर भोपाल शहर में घूमने की बात करें तो इस भोपाल शहर में कई सारे ऐसे खूबसूरती पर्यटक स्थल है जहाँ पर हमेशा पर्यटकों का भीड़ लगा रहता है। तो दोस्तों, आइए हम बताते हैं कि वह कौन सा खूबसूरती पर्यटक स्थल है जिसके बिना यह भोपाल शहर अधूरी है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर एक भोपाल वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान। यह वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एक वन क्षेत्र में बनाया गया था। समृद्ध वन स्थापियों और जीवों में वापस जान के लिए और सुरक्षित करने के लिए इस क्षेत्र को 1981 में वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इस उद्यान में कई प्रकार के जंगली जानवर भी मौजूद है। उद्यान में एक तरह मादोवई जानवर जैसे बाघ, शेर, भालू इत्यादि अलग अलग जानवर रखा गया है। इस उद्यान में झील भी मौजूद है। यह उद्यान एयरपोर्ट से लगभग 12 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। नंबर दो ताज उल मस्जिद। ताज उल मस्जिद भोपाल में स्थित एक बेहतरीन देखने वाली मस्जिद है। इसका प्रवेश द्वार एक बड़े मेहराबी दरवाजे के रूप में मौजूद है। ताज उल मस्जिद में दो बड़े मीनार तथा 3 गुम्बज मौजूद है। यह मस्जिद एयरपोर्ट से लगभग 9 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण मंदिर, भोजेश्वर मंदिर। दोस्तों, इसके अलावा इस भोपाल शहर में और से भी कई सारे खूबसूरती पर्यटक स्थल है जिसको एक वीडियो में बताना असंभव है। तो दोस्तों, यह भोपाल शहर की जानकारी आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हम इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं, तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।